नमस्कार, मेरे YouTube चैनल कोर ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कि हर सेल का एक, जैसे Amazon हो या Flipkart हो, इसमें होता है कि कोई टाइम लिमिट होता है जिसमें आप कोई फेस्टिवल के टाइम पे आप परचेज कर सकते हैं। बट मैं आपको जो सबसे बेस्ट वेबसाइट बताने जा रहा हूँ, ई ऑक्शन इंडिया, यहाँ पर देख सकते हैं। सिर्फ आपको ई ऑक्शन सर्च करना है गूगल में। आप जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं ई ऑक्शन इंडिया, हमने क्लिक किया है, सबसे पहला ये साइट खुल जाएगा। ये गवर्नमेंट की साइट होती है। इसमें ये बेनिफिट है, मैं आपको पहले बेनिफिट बता दूं कि इसमें ये बेनिफिट है कि जो भी आप परचेज करना चाह रहे हैं, जैसे कि टीवी, फ्रिज, गोदरेज, कूलर, एसी, गाड़ी, ज़मीन, कोई बिल्डिंग, फ्लैट, कोई भी आप परचेज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको उससे मतलब 75% या 50% से जो परसेंटेज है ये आपको कम मिलेगा। मतलब जैसे कि कोई 10,000 का सामान है तो आपको यहाँ पे 5,000-3,000 रुपये मिलेगा। रीजन क्या है कि जैसे कोई भी गाड़ी पकड़ा जाता है, जैसे कहीं पे भी उसकी नीलामी होती है, बाद में यदि कोई वहाँ से ले नहीं पाते हैं, या कोई जैसा कि कोई फ्लैट है, कोई ज़मीन है, जिन्होंने लोन लिया वो पूरा नहीं कर पाए, तो उसकी यहाँ पे नीलामी होती है। तो नीलामी होती है उसका ही ये एक्यूरेट वैल्यू यहाँ पे रखा जाता है फ्रेंड। तो बहुत सारा है जो प्रोडक्ट है जहाँ पे आपको यहाँ पे मिल सकता है। आप देख सकते हैं ई ऑक्शन इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। यहाँ पर आप लेटेस्ट प्रोडक्ट भी आप परचेज कर सकते हैं बहुत ज़्यादा डिस्काउंट के बेसिस पे। अब आपको करना क्या है मैं आपको सबसे पहले बता दूं। ये आपको सबसे राइट साइड में जो स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे ई ऑक्शन जो होता है वो आप डेट वाइज, प्राइस वाइज आप एक्यूरेट पता कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपकी आपको बता दूं कि सबसे पहले ई ऑक्शन जो आपका है, एक्टिव ई ऑक्शन कौन सा है। ई ऑक्शन मतलब नीलामी जिसे बोलते हैं, तो नीलामी जो एक्टिव है, जो चल रहा है वो कौन सा है। दूसरी बात करें यहाँ पर जो क्रीडम है, उसके बाद तीसरा है डेट, जो आप सोच रहे हैं कि कल तक जो डेट है वो ई ऑक्शन हमें पता करना, तो यहाँ पे मालूम चलेगा। इसके बाद रिजल्ट ऑफ ई ऑक्शन, यदि आपने पार्टिसिपेट किया हो इसमें तो आपका नाम आया है कि नहीं, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ई ऑक्शन बाय वैल्यू, मतलब आपको एक बजट है, कोई प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं और आपका बजट इतना है, तो उसके बेसिस पे आप ये पता कर सकते हैं। ई ऑक्शन बाय ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कोई बैंक के तरफ से होता है, जैसे बैंक है जिन्होंने प्रॉपर्टी कोई लिया है, या कोई फ्लैट लिया है, या कोई गाड़ी लिया है, व्हीकल जो भी होता है, और उसका EMI पूरा नहीं कर पाया, तो उसके बेसिस पे आप बैंक बाय ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बैंक हो, कंपनी हो, किसी के भी लगा सकते हैं। बाय प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आपको परचेज करना है उसके बेसिस पे भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं कैंसल्ड जो है, वो ई ऑक्शन कैंसल्ड हो गया है, फिर से ई ऑक्शन हुआ है, वो उसके लिए भी लगा सकते हैं यहाँ पे आप। उसके बाद यहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है रिलेटेड, बहुत सारा आपको यहाँ पे डिटेल जो मिल जाएगा जो देखने के लिए। अब मैं आपको बता दूँ कि सबसे यदि कोई प्रोडक्ट परचेज करना है या कोई वैल्यू से मान के चलो परचेज करना है, तो उससे भी आप परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सोचता हूँ ये प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं बाय प्रोडक्ट हमने किया है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का क्राइटेरिया है, आप कौन से कैटेगरी में परचेज करना चाह रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे क्लिक किया मैंने तो एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री से है, या बम्बू है, मतलब जैसे लकड़ी होता है उसका, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स स्क्रैप्स जो बोलते हैं वो उसको परचेज करना चाह रहे हैं, फायरवुड है, लैंड है, बिल्डिंग है, मिसलिनरीज है, या आपका माइनिंग से रिलेटेड है, या अदर है, कोई स्क्रैप या डिस्पोजल है, शिपिंग ट्रांसपोर्ट, या कोई गाड़ी व्हीकल है वो खरीदना चाह रहे हैं वो, या टिम्बर, यहाँ पे लकड़ी जिसे बोलते हैं वो मिल जाएगा आपको। तो इस तरह का प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं बाय डेट और फ्रॉम डेट और पब्लिश डेट, ये आपको सेलेक्ट करने का कोई कंपलसरी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट प्रोडक्ट खरीद जो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पे, उसके बाद जो कैप्चा दिख रहा है वो कैप्चा फिलअप कर दें। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल वन बाय वन आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट कैसे आपको देखना है और कैसे पार्टिसिपेट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्रीकल्चर फॉरेस्ट से लेकर के, या कोई बिल्डिंग लैंड से लेते हैं, ये सबसे ईजी होगा आपको समझने के लिए। तो बिल्डिंग लैंड से हमने प्ले सेलेक्ट किया है, ये कैप्चा यहाँ पर जो लिखा हुआ है वही कैप्चा मैं यहाँ पर ETJAHC मैंने सबमिट कर दिया है। आप इस पर जैसे ही सर्च बटन पे क्लिक करते हैं तो फ्रेंड आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन, मतलब थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ भी देख सकते हैं ई ऑक्शन हो चुका है, म्यूनसिपल शॉपिंग सेंटर है यहाँ पे, ई ऑक्शन और म्यूनसिपल का है, या कोई यहाँ पे देख सकते हैं फ्लैट है फ्रेंड, ये 19 सितंबर को
पब्लिश्ड हुआ था, मतलब 19 सितंबर को ये पब्लिश किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्लैट का डिटेल पूरा लिखा हुआ है कि सेल ऑफ प्रॉपर्टी है, उसके बाद यहाँ पे फ्लैट है, फ्लैट नंबर 11 थर्ड फ्लोर गंगोत्री कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में है, अपोजिट संजीवनी हॉस्पिटल महादेव नगर लेन, और यहाँ पे हिस्सा नंबर लिखा हुआ है। पूरी डिटेल आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुणे में ये फ्लैट्स बिक रहा है। अब आपको यहाँ पे प्राइस या कैसे सब चीज़ पता कर सकते हैं, हमने एक सर्च बटन पे क्लिक किया है। सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल यहाँ पे मालूम चल जाएगी, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इसे पब्लिश किया है सारी डिटेल को। इसके अलावा यहाँ पे ई ऑक्शन टाइटल है, सेल ऑफ प्रॉपर्टी है, जो कि पूरी डिटेल फ्लैट का, जो फ्लैट बिक रहा है उसका डिटेल यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। कब से कब ई ऑक्शन होगा, यहाँ पे ये भी डेट है कि कब से कब ये नीलामी चालू होगी, 22 अक्टूबर को 11 बजे सुबह से लेकर के 22 अक्टूबर को 3 बजे तक ये नीलामी चलेगी फ्रेंड। इसमें प्राइस आपको नीलामी लगानी है, बोली लगानी है, एक तरह से होता है वो। अब आपको देखना है यहाँ पे सारी डिटेल, तो डिटेल देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, क्लिक हेयर यहाँ पे देख सकते हैं पूरी डिटेल, आपको उसमें भी पूरी डीपली मिल जाएगी कि प्रॉपर्टी का डिटेल आपको मिल जाएगा, प्रॉपर्टी होल्डर का सारा डिटेल मिल जाएगा, कहाँ पे है ये और ये कौन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कर रही है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है जो ऑर्गेनाइज कर रही है सारी डिटेल को, जिसे बोलते हैं म्यूनसिपल है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कॉरपोरेट ऑफ मार्केटिंग टेक्सटाइल एंड डिपार्टमेंट मुंबई। इसके अलावा जो आपका फ्लैट का डिटेल हो गया, टू बी अप्रूव्ड हो चुका है, पब्लिश्ड हो चुका है, ऑक्शन इज अंडर प्रोसेस डिस्प्लेड आफ्टर इवेल्यूएशन। तो ये आपको एक दो दिन में ये पूरा प्राइस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि कितना प्राइस में ये फ्लैट सेल होने वाला है। तो इस तरह का डिटेल है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा आप बात करते हैं फ्रेंड कि अब दूसरा कोई भी हमने प्रॉपर्टी के अलावा हम दूसरे प्रॉपर्टी में ही देखते हैं कि और भी कौन सा है, कोई शॉप है यहाँ पे देख सकते हैं, कोई शॉप है जो सेल होने के लिए आपको यहाँ पे पब्लिश किया देखने को मिलेगा। आप चाहे तो नेक्स्ट पे क्लिक करके आप मल्टीपल लोकेशन का आप पता कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने एमएच जो लिखा हुआ है, इससे मालूम चलता है कि ये महाराष्ट्र में है। यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे देख सकते हैं ई ऑक्शन हॉल नंबर 96 थर्ड फ्लोर एट निर्यात भवन पे यहाँ पे ई ऑक्शन हो रहा है इसका। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं शॉप नंबर 5 एट हरिवन हसियोन योजना का यहाँ पे भी ये हो रहा है। आप चाहे तो अलग अलग यहाँ पे, ऐसा नहीं कि कोई फिक्स्ड है कि आपको ये परचेज करना है, आप इसका बिल्डिंग फ्लैट डिटेल सारी चीज़ों को देख सकते हैं। मतलब कि एक तो यहाँ पे आपको ज़मीन से लेकर के फ्लैट दुकान इस तरह को आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं यदि बिल्डिंग लैंड था, अब हम सोचते हैं कि कोई गाड़ी खरीदने का स्क्रैबिंग ट्रांसपोर्टेशन या व्हीकल है, तो हमें यहाँ पे क्लिक कर दिया हूँ फ्रेंड। अब हमें कैप्चा जो लिखा हुआ है, जो यहाँ पे लिखा होता है वही हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है, डालना होता है, यहाँ पे इंटर करना होता है 6ANVE। अब मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है फ्रेंड। अब यहाँ पे आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे शिपिंग ट्रांसपोर्ट 13 सितंबर को है, पैट्री घाट अंदर कृष्णा नगर ब्लॉक पे यहाँ पे। अब यदि क्लिक किया हमने सबसे पेज नंबर 1 पे, तो बहुत सारा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आप चाहे तो कोई भी क्लिक करके देख सकते हैं शिपिंग ट्रांसपोर्ट का सारा डिटेल, जो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है इस पर, फैटी घाट अंडर तेंदा पे समरी। चाहे तो आप समरी का भी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड ये है कि आपको जो देखने को पूरी, मतलब आप चाहते हो कि पूरा डिटेल्ड में जाना चाहते हैं, तो आपको एक दो दिन इसमें वेट करना होता है, क्योंकि ये प्राइस जो है एक दो दिन बाद ही अपडेट होता है। तो कोई पुराना प्रोडक्ट जैसे 13 सितंबर का है, ये 13 सितंबर को पब्लिश हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसमें। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया है कि आप इसमें सारा प्रोडक्ट से, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिक पे क्लिक किया है NB52EU हमने मेंशन कर दिया, अब इसको इंटर कर दिया। देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट में कोई स्क्रैप है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ई ऑक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ऑफ द मुक्ति नगर, यहाँ पे उसका ई ऑक्शन हुआ है। ई ऑक्शन द वन ट्रांसफार्मर ऑयल का है, यहाँ पे उसका भी ऑक्शन हुआ है। तो ये भी महाराष्ट्र का और मध्य प्रदेश का,
तो अलग अलग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यदि मैं आपको प्राइस वाइज देखूँ, ई ऑक्शन वाइज वैल्यू, तो यहाँ पे प्रोडक्ट चाहे आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं या अदर्स में आपने क्लिक कर दिया। उसके बाद ई ऑक्शन वाइज वैल्यू है, यदि आप चाहते हैं तो ई ऑक्शन वाइज वैल्यू पे भी क्लिक कर सकते हैं कि कितना आपका बजट है, बजट कितना है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, कितना वैल्यू है और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं वो भी आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। जैसे मैंने कि अदर्स पे क्लिक किया है, यहाँ पे देख सकते हैं एक से एक प्रोडक्ट यहाँ पे आपको मोना चीनी मिल्स है, स्काई राइट अंडर आउटडोर है, इसके बाद डिस्पोजल ऑफ 155 है यहाँ पे देखने को मिला, ईक्सन ऑफ द ट्रीज है, सेल शॉप ऑफ द सुपर बाजार है, यहाँ पे आपको सेल शॉप मिलने वाला है, मतलब कि आपको कोई जो दुकान है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है, जो अमाउंट यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है। ई ऑक्शन फॉर फिशिंग राइट फ्रॉम द डिफेंस ऑन लेक पे हैं, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे कम से कम 7 पेज हैं, तो अलग अलग पेज में अलग अलग प्रोडक्ट अदर्स में सारा आता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, इस जो ई ऑक्शन है इसमें आप भाग ले सकते हैं। ई ऑक्शन जो है सीड स्टॉक सैंड है उसका भी ले सकते हैं, यहाँ पर कर्मवीर जो है यहाँ पर जो शॉप है वहाँ पे भी शॉप आप उसको परचेज कर सकते हैं, जिन्होंने जो कहते हैं कि यदि कोई इलीगल तरीके से गवर्नमेंट या किसी का गवर्नमेंट का है जो शॉप किसी ने मान के चलो यूज़ कर रहे होंगे, तो सरकार अब क्या करती है उसको नीलामी के बेस पे रखती है, या कोई किसी ने लोन लिया है अपनी शॉप ओपन करने के लिए तो उसके लिए भी यहाँ पे देख सकते हैं सारा शॉप नंबर ही है, ऑफिस नंबर है। तो इस तरह का जो चाहे खोलने के लिए दुकान, तो सरकार के जो नीलामी बार बार निकालती है इसको ई ऑक्शन के थ्रू, ई ऑक्शन इंडिया पे प्लेटफॉर्म पे जो पब्लिश्ड होती है उसमें पार्टिसिपेट करके आप ये परचेज कर सकते हैं, बहुत ही कम दाम में, बहुत ही कम रेट पे, प्राइस पे आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा फैसिलिटी है, मैं एक दो चार मैंने इसे दिखाया है, आप चाहे तो प्रोडक्ट वाइज, वैल्यू वाइज, कैटेगरी वाइज, ऑर्गेनाइजेशन वाइज जो रिजल्ट है उसका, वो सारा आप यहाँ पे परचेज सारा डिटेल डीपली देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने आपको जो दिखाया है, यदि कोई भी सपोर्ट चाहिए तो यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन से डिटेल मिल जाती है इसमें, इस पोर्टल में आपको सारा, लेकिन कोई भी फ्रॉड होने की चांसेस नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही ऑर्गेनाइज करती है फ्रेंड। सबसे बड़ा ये है कि आपको यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको ये ऑक्शन में भाग लेने के लिए सिर्फ आपको पार्टिसिपेट आईडी रजिस्टर होना ज़रूरी है। रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं, लॉगिन पे क्लिक करना है, लॉगिन पे क्लिक कर दिया आपने, यदि मान के चलो अभी आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो आपको यहाँ पे फर्स्ट रजिस्टर करना पड़ेगा, रजिस्टर करने के बाद आप इसको कर सकते हैं। यदि रजिस्टर नहीं किया तो बीडर इनरोलमेंट पे क्लिक करें, बीडर इनरोलमेंट आ गया तो आपको यहाँ पे सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए सारा डिटेल आपको फिलअप करना पड़ेगा, सारा रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे ही आप सारा सबमिट अपना डॉक्यूमेंट या आपका अपना डिटेल सबमिट करते हैं उसके बाद आप इसके थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं ई ऑक्शन इंडिया में। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस तरह का वीडियो आप अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।